समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 3 का 6 पाठ दिल्ली से पत्र पृष्ठ संख्या 19 से 33 तक पाठ 6 दिल्ली से पत्र पृष्ठ संख्या 30 सेक्टर 9A नई दिल्ली दिनांक 10/5/2015 पूज्य पिताजी सादर प्रणाम हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा यहाँ मौसम अच्छा है कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली के सैर के लिए निकले सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा यह बहुत पुरानी इमारत है इसे देखकर तो मैं दंग रह गया बहुत ऊंची मीनार है अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है वहां से हम लाल किला पहुंचे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था लाल किला तो लाल किला है जैसा नाम वैसा किला यह लाल पत्थर का बना हुआ है यह एक मजबूत और सुंदर किला है मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था यहाँ पर एक स्थान है दीवाने खास इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसका अर्थ है यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है यही है यही है इसी किले के पास जामा मस्जिद है यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था इसमें धूप घड़ी है पृष्ठ संख्या 31 सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा सांसद भवन उल्लेखनीय है यहाँ का इंडिया गेट अक्षरधाम मंदिर लोटस टेंपल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य हैं। यहाँ राजघाट पर हमने बापू की समाधि भी देखी अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया मैं परसों घर लौटूंगा
माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। आपका पुत्र सनी।